आप जानते हैं साउल हार्ट प्रोग्राम बोलता है नो बाईपास सर्जरी नो एंजियोप्लास्टी। तो लोग मुझे पूछते हैं क्यों, तो आज उसका आंसर देने वाला हूं, क्यों बाईपास नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको एंड तक सुनिएगा प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हमेशा की तरह एक नई टॉपिक आपके पास लाया हूँ आज, और वो टॉपिक है क्यों बाईपास सर्जरी ना किया जाए। देखिए, मेरी पर्सनल व्यूज है, बट द लॉजिक इज वेरी इनफेलिएबल। लॉजिक, पहला लॉजिक है क्यों बाईपास सर्जरी नहीं करना, इज कि हम नेचर के संग छेड़खानी कर रहे हैं। देखिए, नेचर की कोई भी चीज को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और छेड़खानी के बाद आप वहीं का वहीं वापस नहीं ला सकते। एक अनार को आप छील लीजिए, सारे दाने अलग अलग कर लीजिए, फिर जोड़ के देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। नेचर को कहीं नहीं, हाँ कंप्यूटर के सारे पार्ट्स खोल के वापस जोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो ह्यूमन बॉडी है वो नेचर की है, और नेचर को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। पहला चीज, इसके बड़े सारे इम्प्लीकेशंस है। दूसरी चीज हो गई कि जो बीमारी का कारण है वही नहीं हटा रहे हम लोग। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या है कि आपकी ब्लॉकेज थी, आपने बोला ब्लॉकेज बन रहा है बनने दो, उसका कारण नहीं देखना, हम नया ट्यूब लगा देते हैं, अब नए को ब्लॉक करो। तो जो रीजन है वही नहीं देख रहे हैं, उसकी लॉजिक ही गलत है कि भाई मेरे को बीमारी को रोकना नहीं है। एक पानी गिर रहा है, आप पानी को बंद नहीं कर रहे हैं, आप नीचे से सफाई किए जा रहे हैं, पानी वापस आ रहा है, तो ये लॉजिक ठीक नहीं है। तीसरा चीज है बाईपास सर्जरी, इतनी बड़ी सर्जरी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। ड्यूरिंग ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन है, करना क्या होगा, एक ट्यूब काटना होगा, या तो छाती से काटेंगे, हाथ से काटेंगे, या पैर से काटेंगे। छाती को काट के उसको अंदर ले जाना पड़ेगा, अच्छा हार्ट को रोकना पड़ेगा, हार्ट मूवमेंट कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा, और उस वक्त एक मशीन से पूरे बॉडी को चलाया जाएगा। वो मशीन ब्रेन में कितना क्या नुकसान करेगा उसका भी बहुत सारे डिटेल्स आ चुके हैं उसमें, सेक्सुअल पावर लॉन्ग टर्म में लॉस होना, और कितने सारे ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस, इरिटेशन, ये सारे एग्रेशन, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो कहीं कटिंग हुआ है वहां की कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशंस भरे हुए होते हैं। और इसलिए भी आपको ध्यान रखना कि कॉम्प्लिकेशंस, एक तो ड्यूरिंग ऑपरेशन, एक आफ्टरवर्ड्स वाले कॉम्प्लिकेशन, वो एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, रीब्लॉकेज, देखिए ओरिजिनल ब्लॉकेज मैं जानता हूँ बनने में 30-40 साल लगा है, बाईपास सर्जरी के बाद मैं देखता हूँ कोई को 6 महीने बाद आ गया, कोई का 1 साल बाद आ गया, 2 साल बाद आ गया, क्योंकि बीमारी के कारण को हटा ही नहीं रहे, और नहीं हटा रहे तो वापस आएगी आएगी। तो ये बाईपास सर्जरी के बाद मेरे पास इतने भरे हुए मरीज पड़े हुए, बाईपास कर लिया फिर रीब्लॉकेज आ गई। तो मैं ये देख रहा हूँ एवरेज करीब 5-1 साल है, कुछ 2-1 साल में आ जाते हैं, कुछ 7-8 साल निकाल लेते हैं। तो अल्टीमेटली यही मान के चलिए एवरेज जो है, मीन जो है, वो 5 साल ही चलती है, और वो भी डिपेंड करता है कौन सर्जन कितना अच्छा कर रहा है। उसके बाद एक और चीज है, जहां से हमने ट्यूब काट ली वहां की कॉम्प्लिकेशंस, पैर की ट्यूब काट ली, देखा गया पैर में सूजन आने लग गया। भाई हर जगह जो नेचर ने कोई चीज दिया है तो उसकी जरूरत है, उसको आप वहां से काट के लगा देंगे, एक गांव की रास्ता को काट के शहर में लगा दें तो गांव में तो कमी पड़ी जाएगी ना। तो ये बात भी एक प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन के वक्त जहां से आपने ट्यूब निकाल ली उस एरिया को भी तकलीफ होने वाली है, और अल्टीमेटली पेशेंट को लाइफस्टाइल ही फॉलो करना है, तो फिर क्यों नहीं अभी से फॉलो कर लो। हाँ, बाईपास के बाद खान पीन, रहन सहन, वॉकिंग, योगा सब करूंगा, मैं बोला अभी कर लो, फिर बाईपास की जरूरत ही नहीं है। आज कितने लोग बाईपास करा लेते हैं, देखिए पूरे इंडिया भर में अगर 2 लाख बाईपास सर्जरी होती है, आपको मालूम है 7 करोड़ से 10 करोड़ मरीज है, 2 लाख का क्या वैल्यू है। तो लोगों को लगता नहीं नहीं वही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, वो ऐसा है ही नहीं। अच्छा, लास्ट एक चीज हम लोग हर वक्त बोलते हैं कि बाईपास हर केस में नहीं किया जा सकता है। अगर कोई की मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे 4-5-6, तो बाईपास करके फायदा नहीं, क्योंकि 2-3 में करेंगे, 2-3 को छोड़ना पड़ेगा, तो फिर रिस्क तो वहीं का वहीं रह गया। अच्छा, जिसकी डिफ्यूज ब्लॉकेजेस है उनको नहीं करना, जिनके भी 4 या 5 से ज्यादा ब्लॉकेज है उनकी बाईपास करके उतना फायदा नहीं, क्योंकि 1 या 2 को छोड़ना ही है तो रिस्क तो रहेगी फिर। तो ये सारी कारण है, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, ऑपरेशन अगर मन में है और आप आराम से थोड़ा बहुत भी चलने लायक हो गए तो ऑपरेशन नहीं कराओ। और एक बात और आपको बता दूं, ये बाईपास सर्जरी हार्ट अटैक के इमीडिएट 2-3 हफ्ते तक एकदम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हार्ट के कुछ मसल्स डैमेज हुए हैं, वहां पे सूजन हुए हैं, और उस वक्त सर्जरी एकदम नहीं करना। कभी कोई को हार्ट अटैक हो गया और फिर भी सर्जरी कराना चाहते हैं तो कम से कम 3 हफ्ते का गैप देना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे, मेरी ओपिनियन बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर मैं लोगों को बोलता हूं जितनी बात बोला उसकी लॉजिक समझो,
और अगर उसमें कोई आपको जोर लग रहा है कि हाँ बात सही बोल रहे हैं, तो हम क्यों बाईपास सर्जरी कराएं। तो एनीवे, मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ू, हार्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं जहाँ पे हम हार्ट के पेशेंट्स को ये सिखाते हैं कैसे जीरो ऑयल के खाना खा के, कैसे खान पीन रहन सहन को बदल के, योग मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्सल अगर पॉसिबल है तो क्यों हम एंजियोप्लास्टी कराएं, क्यों सर्जरी कराएं। तो आप ज़रूर हमारे हार्ट के वीडियोस देखिए और मेरे एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो करके एक वीडियो है 1.5 घंटे का, उसको ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच।